ताइवान में नए राष्ट्रपति के शपथ लेते ही चीन बौखला गया है। चीन ने ताइवान के चारों ओर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया है। चीन ने इस मिलिट्री ड्रिल को दंडनात्मक सैन्य अभ्यास बताया है। वहीं ताइवान और अमेरिका इसे लेकर अलर्ट पे भी हैं। ताइवान में एंटी शिप मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है? क्या चीन ताइवान पर कब्जा करना चाह रहा है? नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। ताइवान के राष्ट्रपति बनने के बाद लाई ने चीन को राजनीतिक और सैन्य रूप से धमकी देना बंद करने की सलाह दी है, जिसके बाद अब मिलिट्री अभ्यास के जवाब में भी ताइवान ने कड़ा एक्शन लिया है। ताइवान ने अपने एयरफोर्स और मिसाइलों को तैनात किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने 23 मई को ताइवान को घेरने का अभ्यास करते हुए 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसे ज्वाइंट स्क्वाड 2024A नाम दिया गया। खबरों की माने तो चीन ने जैसे ही अभ्यास शुरू किया, वैसे ही ताइवान ने जवाब देने और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सेना को तैनात किया। मंत्रालय की एक प्रमुख घोषणा में कहा गया कि हमने चीन गणराज्य यानी ताइवान की स्वतंत्रता, लोकतंत्रता की संप्रभुता की रक्षा के लिए जवाब देने के लिए समुद्री, वायु और जमीनी बलों को भेजा है। सोशल मीडिया पर वीडियो आए हैं जिसमें ताइवान की हाउसिंग फैन सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों को ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आसपास के समुद्री और हवाई क्षेत्रों की रक्षा के लिए F-16 वाइपर तैनात किए गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि ताइवानी वायुसेना ने इस महीने की शुरुआत में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने जेट पायलटों के लिए नियमित प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में F-16V को मेवरिक मिसाइल दागते देखा गया है। चीन की ओर से किया गया यह अभ्यास ताइवान पर हमले के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी नौसेना अलर्ट पर है। यूएस नेवी ने एडमिरल सैमुअल पापारो का कहना है कि ड्रिल किसी बड़े आक्रमण में बदल सकता है। अमेरिका ने क्षेत्रीय सहयोग की बात भी की है। अगर वहीं चीन के सरकारी मीडिया की बात करें तो जानकारी के मुताबिक दर्जनों लड़ाकू विमान मिसाइलों से लैस हैं। उन्होंने अभ्यास के दौरान नकली टारगेट को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर आई कई तस्वीरों में कथित तौर पर चीन की जमीन आधारित डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलों में भी देखी गई है, लेकिन सरकारी मीडिया ने यह नहीं बताया कि क्या इनका इस्तेमाल अभ्यास के दौरान किया गया या नहीं। ताइवान को पूर्व और पश्चिम से घेरने के इरादे से किए गए इस अभ्यास ने हर दिशा से द्वीप पर हमला करने के पीएलए की क्षमता का प्रदर्शन किया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन के इस कदम के बाद क्या ताइवान इस मामले पर और कोई कदम उठाता है कि नहीं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें इन खबर।